सतलाज 84,000 वर्ष व्यतीत हुए। अब उसके बाद 900 वर्ष व्यतीत होने के बाद 80वां संवत्सर काल है। इस प्रकार आगे जो है हम समझेंगे तो बल्लीनाथ प्रभु का निर्माण हुआ और बाद में 65,84,980 वर्ष बाद पुस्तक वाचन हुआ। कुंतुनाथ भगवान के निर्माण के 1,000 करोड़ वर्ष संयुक्त ऐसे एक बल्लियों का चौथा भाग बाद में अर्थात भगवान का निर्माण हुआ और उसके बाद 1,000 करोड़ 65,84,980 वर्ष के बाद में पुस्तक वाचन हुआ। अब आप ये देखिए कि शांतिनाथ भगवान के निर्माण से आधा बल्लोपम व्यतीत होने पर कुंतुनाथ भगवान का निर्माण हुआ और बाद में बल्लोपम का चौथा भाग 65,84,980 वर्ष बाद पुस्तक वाचन हुए। दर्भनाथ भगवान के निर्माण के पश्चात पौना बल्लोपम न्यून 3 सागरों पर व्यतीत होने पर श्री शांतिनाथ भगवान का निर्माण हुआ और बल्लोपम पौना बल्लोपम एवं 65,84,980 वर्ष बाद पुस्तक हुआ। अनंतनाथ भगवान के निर्माण से 4 सागरों पर व्यतीत होने पर दर्भनाथ भगवान का निर्माण हुआ और उसके बाद 3 सागरों पर एवं 65,84,980 वर्ष के बाद पुस्तक वाचन हुए। विमलनाथ भगवान के निर्माण से 900 सागरों पर व्यतीत होने के बाद अनंतनाथ भगवान का निर्माण हुआ उसके बाद 7 सागरों पर 65,84,980 वर्ष का पुस्तक वाचन हुआ। वासुपति के निर्माण के 20 सागरों पर व्यतीत होने पर विमलनाथ भगवान का निर्माण हुआ 16 सागरों पर 65,84,980 वर्ष का पुस्तक वाचन हुआ। श्रेयांशनाथ भगवान के निर्माण से 54 सागरों पर व्यतीत हुए और वासुपति भगवान का निर्माण हुआ उसके बाद 46 सागरों पर 65,84,980 वर्ष का पुस्तक वाचन हुआ। अब यहाँ पर जो है शीतलनाथ भगवान से लेकर निर्माण से 100 सागरों पर 66 लाख और 26,000 वर्ष ऐसे 1 कोटि 7 लाख के बाद श्रेयांशनाथ भगवान का निर्माण हुआ उसके बाद 42,003 वर्ष और 8.5 मास कम ऐसे 100 सागरों पर 66 लाख 26,000 वर्ष के बाद महावीर प्रभु का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर आप सुनेंगे विशेष रूप से सुविधिनाथ भगवान से के निर्माण से 42,003 वर्ष और 8.5 मास दिन ऐसे 10 कोटि 7 लाख पर व्यतीत हुए और श्री महावीर भगवान का निर्माण हुआ। सुविधिनाथ के निर्माण से 900 कोटि 7 लाख के बाद शीतलनाथ भगवान का निर्माण हुआ उसके बाद 42,003 वर्ष और 8.5 मास दिन ऐसे 1 कोटि 7 लाख के बाद श्री महावीर भगवान का निर्माण हुआ तत्पश्चात पुष्कर मास। अब जो है खास करके 42,300 वर्ष और 8.5 मास दिन ऐसे 1 कोटि 100 कोटि 7 लाख पर व्यतीत हुए समय महावीर स्वामी भगवान का निर्माण हुआ। चंद्र प्रभु स्वामी के निर्माण से 90 करोड़ सागरों के बाद सुविधिनाथ भगवान का निर्माण हुआ फिर 42,300 वर्ष के बाद में निर्माण हुआ। देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए यहाँ पर करोड़ों वर्ष का काल जरूर है लेकिन ये चौथा आरा, अब ये चौथा आरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 1 कोटि 100 कोटि सागरों का काल इतना लंबा जो काल है तो एक भगवान से लेकर बीच में दूसरे भगवान के काल का अंतर बीच में कितना रहा, कितना जैन शासन कितने लंबे काल से चला आ रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर ऋषभदेव के निर्माण के बाद से 3 वर्ष और 8.5 मास अधिक ऐसे 50,00,000 करोड़ों के बाद अजीतनाथ भगवान का जन्म हुआ। आप देखिए ये पहले भगवान आलेश्वर दादा था अब उसके बाद अजीतनाथ हुए तो दो के बीच में गैप कितना है, कितना दो के बीच में गैप जो यहाँ पर लिखा है कितना लिखा है आपको आश्चर्य होगा 50,00,000 करोड़ सागरों। इतना लंबा काल बना है उसके बाद अजीतनाथ भगवान हुए। इधर देखिए अब जो बीच में गैप पड़ा 50,00,000 करोड़ सागरों के अंदर आलेश्वर भगवान की बेटी 5 परंपरा के अंदर कितने केवल ज्ञान पालते गए और मोक्ष में जाते रहे। धर्मचंद्र है भगवान नहीं है और गैप पड़ा हुआ है तो ये विशेषता कहाँ पर है भरत और ऐरावत क्षेत्र में एक के बाद एक भगवान के महाविदय में बड़े पर जैसा बड़े गैप नहीं पड़ते एक हाथी का 20 20 20 20 प्रमाण कोई नहीं ये फर्क वहाँ था हमारे यहाँ पर है। अब इस अवसर में धर्म के प्रवर्तक श्री ऋषभदेव भगवान जो हुए हैं हम उनकी बात विशेष रूप से करेंगे। अब जैसे आप देखिए सबकी भव परंपरा किस तरह से इस
शबदेव भगवान भी अपनी तरह से जिस तरह से चले हैं तो इनके भोग कितने हुए, तो यहाँ पर जो है यही चार गतियाँ हैं। अब आंतरिक संसार में परिक्रमण तो इधर ही होना है, तो यहाँ पर जिस तरह से इनके भव होते रहे, ये भव करते करते जब यहाँ पर मनुष्य गति में पहुँचे, 13वां भव यहाँ पर इनका, ये 13वें भव के अंदर ऋषभ से भगवान बने हैं, तो मतलब 13 भव से पहले इनके 12 भव तो हुए। इधर देखिए ये 11वां भव है और 11वें भव में इन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म उपासना। अब ये तो चार गति का साक्षात है, तो ऋषभदेव भगवान ने दो गति में ही जन्म किए, मनुष्य और देव, देव और मनुष्य। यहाँ पर जब गए तो देव बने, फिर वापिस मनुष्य बने, फिर वापिस देव बने, यहाँ से नीचे पिछली गति में नहीं। पांचवा भगवान एक भव हाथी रोग के दो और महावीर स्वामी भगवान एक भव सिर और एक भव नरक राखे, तो महावीर स्वामी चार ही गति में गया। आपने कभी कभी जाना सम्य दर्शन प्राप्त होने के बाद अब हमारी ज्यादा गतियां ज्यादा भव न बिगड़े, इसका विवेक हमको रखना है। अब यहाँ पर भगवान ऋषभदेव जो है उनके चार कल्याणक उत्तरासना नक्षत्र में हुए, पांचवा कल्याणक अभिजीत नक्षत्र में हुआ, परम श्री ऋषभदेव ग्रीष्म काल के चौथे महीने सातवें पक्ष यानी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के चौथे तिथि के लिए 33 सागरों का सरकार प्रसिद्ध विमान का आयुष्य पूरा करके वहाँ से उतरे। कितना काल वहाँ पर बीता और वहाँ से उतरने के बाद यहाँ पर बधाने हैं, तो ये विशेषता है कि जो करके दाभी पुल करके बरुदेवा माता के पक्ष में मध्यरात्रि के अंदर भगवान पधारे। अब उतरा सारा नक्षत्र के साथ चंद्र का युग था, तो ये भगवान भी अपनी तरह से माँ जानते हैं मेरा जवत हुआ है। और जैसे भगवान रात्रि के अंदर माता के घर में आए, सुबह 5 बजे माता जी को 14 स्तर में आए और तब पहला पाठ लिखा, पहले गजवर दीठो। सभी भगवान को पहले गजवर दिखता है ऐसा नहीं है, अलग अलग हो गए होंगे। खाली था खाली बैठ नहीं दिखा पड़ेगा, तो बैठ मौसम बन जाएगा। अच्छा ये खाले में निकालो जरा, चिट्ठी ले जाना खाले। अच्छा ये चिट्ठियाँ आपके पास भेजी है, ये है चिट्ठियाँ चैत्य परिपाटी की। रविवार को सुबह जो निकलना है चैत्य परिपाटी, आप लोग इसमें से एक चिट्ठी लेंगे, जिसके हाथ में जिस पूजा की चिट्ठी आ रही उस हिसाब से चलना है। हाँ खाले माजी ये थाली है, थाली में कागज एक बटर मेलो निकल करके खाली पड़े बैग इस पौसा में, ये चिट्ठी आपके पास आए थाली में चिट्ठी आप ले लो और एक एक चिट्ठी लेकर के वापस महिलाओं में दे देना है। हाँ सर, यहाँ पर जो है जिस तरह से भगवान ऋषभदेव का अब विशेष उनका भी जन्म होता है और ये जन्म खास करके चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष के 8 की तिथि के दिन मरुदेवा माता ने बिल्कुल बाधा बिना रहित भगवान को जन्म दिया है। अब 56 दिन कुमारी का आए, 56 दिन कुमारी ने भगवान का शुद्धि का कर्म आदि किया, इंद्र महाराज आए मान छोड़ करके मेरु पर्वत पर ले गए भगवान को, अब भगवान का जन्माभिषेक महोत्सव वगैरह हुआ। अब इसके बाद जो है यहाँ पर इंद्र अब भगवान आदेश पर दादा तीसरे आगे के अंत में हुए, तो वहाँ तक क्या था, कल्प वृक्ष का प्रभाव था, वहाँ तक देवता कल्प रखता ये मनुष्य वगैरह लोग कल्प वृक्ष के पास जाकर के अपनी इच्छा व्यक्त करते और मिल जाता, लेकिन कालांतर में काल गिरता जा रहा है, वैसे अवसर पीने का काल है, इसलिए जब तीर्थंकर शब्द भगवान हो गए तो कल्प वृक्षों का प्रभाव बन जाता, अब कल्प वृक्ष नहीं रहे। ऐसी स्थिति के अंदर भाषा बोले थे जो सबने बोले तो चैत्य परिवार के लिए जिसको लेना है चिट्ठी। अब यहाँ पर जब शब्द भगवान का आए, अब भगवान बाल्यावस्था में बाल कुमार है, भगवती महाराज ने लाकर भगवान
थाली के अंदर फल लेकर पटना अपने लास्ट रमजान में रोज अब माता जी सब लीजिए इसमें से चिट्ठी सबको चैत्य परिमाणी में साथ में चलना है इसके लिए तो ऋषभ देव भगवंत ने बाल्यावस्था में उन्होंने हाथ सामने बड़ा लंबा किया और इन्हें बड़ा फल लिया इक्षु शेर ने जो गन्ना लिया इसलिए ऋषभ देव भगवान का पुत्र इक्ष्वाकु वंश इंद्र ने ऐसी स्थापना कर ली था। अब आप ये देखें कि देश नगर से उन्होंने गाय आहार आदि की अपेक्षा होने पर बाल्य में भी उन्होंने अपनी तरह से अंगुष्ठ आदि को रख करके ये उन्हें रख देते थे ऐसे जयशंकर की वंश स्थापना हुई। अब आगे बढ़कर के इक्ष्वाकु के अंदर तो दैव योग से जो है अवस्था कालांतर में जो वहाँ पर चूहे छान में जन्मते थे प्रत्येक के कोई भी वक्ष चूहे के रूप में जन्मते थे अचानक ऊपर से नारियल गिरा और वहाँ पर जो है मृत्यु हो गई। अब ये बालिका है तो इसका किसके पास ले जाना जाकर के काल वृक्ष के कारण अगर बालक की मृत्यु हो गई अकाल ग्रहण हुआ तो युगलों ने माता पिता पीटा करके वापिस काल वृक्ष के नीचे लौटे जिन्हें बालक को जमा जान करके अब बालिका को जिसका नाम सुनंदा था अब वो ले जा करके वहाँ पर दिया के तब ऋषभ देव ने नाभि राजा ने अपनी तरफ से ये सुनंदा नाम के मनोहर कन्या को ऋषभ देव की पत्नी बनाने के लिए साथ में जुड़ा। ऐसे ही सुनंदा और सुमंगला दोनों के साथ ऋषभ देव भगवान का पाणी ग्रहण हुआ और इसमें दोनों से जो है 100 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। 6 लाख जो है विवाह का इंतजार प्रभु का पद संबंधी कार्य आदि सिद्ध हुआ। अब 6 लाख पूर्व व्यतीत होने पर सुमंगला ने भरत दुरावी युगल को जन्म दिया सुनंदा ने बाहुबली और सुंदरी को जन्म दिया। इस तरह से यह क्रम उस समय चलता था। ऋषभ देव भगवान के हम 5 नाम अलग अलग जो कहते हैं कि एक नाम तो उनका विष्णु भिक्षाचार्य था प्रथम चिन्ह भी था प्रथम तीर्थन करता प्रथम ऋषभ देव था। तो आप जानते हैं कि इसको किस तरह से कैसे कहा गया है तो उस समय जो काल था उस समय लोगों के अंदर झगड़े नहीं होते थे युगलिक काल के अंदर लेकिन युगलिक काल जैसे जैसे नीचे गिरता गया तो अब देश का शायद झगड़े भी होने लगे तो ऐसे झगड़े होने लगे तो न्याय क्या देना था तो न्याय देने के लिए उस समय ये व्यवस्था की थी कि अंत में अभा बोल दो तो समझ जाएंगे कि मुझे बहुत पनिशमेंट हुआ है फिर मकान बोलते थे और लास्ट में उन्होंने दिखना बोलना शुरू किया था कि बहुत बड़ी सजा हो जाती इतने में ईशानी में समझ जाते लेकिन बाद में आखिर कलियुग गिरता था काल तो तीसरे आगे के धर्म और गिरने लगा अब ज़्यादा व्यवस्था कैसे करें तो नाभि खुलकर ने अपनी तरह से सोचकर ऋषभ देव को एक राजा बना करके व्यवस्था कर दें तो राजा बना कर व्यवस्था करने से अब किसी को कोई प्रश्न नहीं रहेगा सब व्यवस्था ये करेंगे तो ऐसा करते करते कालांतर के अंदर अब ऋषभ देव भगवान को एक राजा बनाने के लिए कहा। अवधि ज्ञान की उससे राजाभिषेक जान करके प्रथम तीर्थ कर राजाभिषेक के उन्हें अपनी तरह से तैयार किया। अब यहाँ पर इनको देवता में ज्ञान है कि शुरुआत में पहला है इसके सारी व्यवस्था इंद्र ही करते हैं और देवता ही आकर के मुख्य रूप से करते हैं ऐसा। जब इनको आभूषण पहना कर वस्त्र आदि पहना कर राजगादी पर बैठा दिया उस समय नगर के लोग हैं क्रोध के अंदर नदी पर पानी भरने के लिए लेकर गए थे। अब वो पानी भरकर लेकर आए अब देखा कि कहाँ मैं कराना पानी सिर पर डालेंगे तो कपड़े फिर जाएंगे तो चरण जो है जमीन पर भूले जो पड़े हैं तो उसी पर आप बोलते हो कि नहीं सरलता कितनी बड़ी है जल पर संपूर्ण परमा तो राज्य भी तो चाहिए उनके लिए तो देवों ने मिलकर के विधि
के वहां पर व्यवस्थित स्थापन किया। भगवान के पुत्र पौत्र आदि उपक्रम अब ये बैल गाय वगैरह संग्रह किया गया। पुत्र भोग राजन्य क्षत्रिय कुल वगैरह चार कुलों की स्थापना की। उग्र दंड करने वाले गोत्र कुल में आरक्षक स्थानीय है कोतवाल प्रमुख आदि और भोग के साथ योग्य ऐसे उन्हें भोग कुल में रखने पड़े और स्थान वाले थे उन्हें राज्य कुल में मित्र स्थानीय रखे। शेष सब प्रजा लोगों को क्षत्रिय कुल में स्थान दो। जिस समय धीरे धीरे कल्प वृक्षों का प्रभाव अब नहीं रहा गिरने लगे उसके बाद में अब लोग खाएंगे क्या कैसे खाएंगे। ऋषभ ने भगवान हाथी की अंबारी पर बैठ करके निकले और उस समय नगर वासियों को बुला करके कुछ सिखाया। सबसे पहले मिट्टी लेकर पानी में घोल करके मिट्टी के बर्तन बनाने सिखाए और मिट्टी के बर्तन जो है ऋषभ ने भगवान ने सिखाए। जैनों का पहला कर्तव्य होता है कि सबके घर में मिट्टी के बर्तन होने अनिवार्य। अजय माटीरा भाषण घर में बहना जरूरी है। माटीरा दवा मारते रोटी करनी माटी का बर्तन में। अब देखो हजारों वर्षों से चली आई परंपरा को आज साइंस ने एक्सेप्ट किया। साइंस का ये कहना है कि इफ यू आर जस्ट कुकिंग इन एनी टाइप ऑफ मैटर फॉर सो देयर आर द एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ द मैटर लेकिन इफ यू आर यूजिंग द कुकिंग इन द मड फॉर सो वी आर गेटिंग द 80% प्लस पॉइंट ऑफ द 18 एलिमेंट्स ऑफ द मान फॉर। मिट्टी के रहे हुए अंदर के 18 प्रकार के तत्वों का उनको लाभ मिलता है। आप बना करके खाएंगे देखेंगे आपको पता चलेगा। अगर एक वस्तु आपने जो है दूसरे तवे पर की है और एक मिट्टी के तवे पर रोटी करो आसपास जमीन का फर्क पड़ेगा और खास करके स्वाद में भी फर्क पड़ेगा। जैसे लोहे के तवे पर जल जाती वैसे मिट्टी के तवे पर नहीं जलेगी। और जैसे आप कुकर में बनाना जो शुरू किया है सबसे पहले सबको कुकर जो है निकालना चाहिए। व्हाट द मेडिकल साइंस से दैट इफ यू आर कुकिंग द कुकर सो दाल जो है गलती है चढ़ती नहीं है एंड ऑल द प्रोटीन्स ऑफ द स्पाइसेस इट बिकम डिस्ट्रॉयड। जो दालों का प्रोटीन है वो नष्ट हो जाता है कोई तत्व आपको नहीं मिलता है। ये सब लेबोरेटरी टेस्ट के रिपोर्ट बता रहे हैं ये ध्यान रखिए। इसके सबको पहले ये प्रयत्न करना ही करना चाहिए। आप लोग खास करके शरीर को प्रोटीन नहीं मिल रहा और समझते हो नहीं बड़ा घर में भूख है तो अपने घर में लाओ देखे बड़ा घर में भूख है तो अपने लाओ और सबके घर में भूख है एलिमिनेट नहीं होते तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको उसी के कारण हो रहा है। मिट्टी का बर्तन लो आज हम लोग बात करते हैं और फिर उसको खाली दो चार अंगुल खुला रखना है पूरा ढकना भी नहीं है। अंदर जो पकने वाली वस्तु है उसका नेचर के साथ स्पर्श होना चाहिए तो वो एलिमेंट उसके साथ काम करे। आप प्रेशर कुकर के अंदर स्टीम का प्रेशर आता है दाल गल जाती है उसका प्रोटीन नष्ट हो जाता है और इसलिए कुकर में बने हुए रसोई के खाने से गैसें ज़्यादा होती है और फिर नुकसान ज़्यादा होता है समझे। ये प्रकार यहाँ पर भगवान ने अपनी तरह से मिट्टी के बर्तन बनाए। फिर बाद में जो है वहाँ पर अग्नि काष्ठ से अग्नि प्रकट की अग्नि के ऊपर बर्तन रख करके पानी डाल करके अब चावल डाल अब जो है गृही है डांगर है पूरी पुरानी भाषा के अंदर वो खास खाने के लिए पहले अटे लगे हो गौरव खावर दान लगी हो सर गौरव नहीं लगे हो खास करने उस समय ये गृही और डांगर और चावल और ये आपको लगे हमारे जो सर चावल उनसे कोई बासमती नहीं खाना जो लंबा लंबा मोटा पतला जो सफ़ेद चावल आ गए हैं सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाले को पीछे वेल पॉलिश जो राइस है और आजकल चाइना से बन के आ रहे हैं प्लास्टिक के चावल वो सफ़ेद चावल के अंदर मिक्स हो गए। आपको चावल खाना है तो वो खाली लाल चावल या ब्राउन चावल देसी चावल खाइए तो यू कैन गेट द मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम दैट ये ज़्यादा मिलना चाहिए। और जब भी आप चावल खाओ तो उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल करके खाने से गैस वगैरह ज़्यादा नहीं छूटे घी असली महत्व खाओ जितना नहीं खाओ घी असली नहीं मिले आपको शुद्ध न मिले तो आप तेल डालेंगे कौन सा तेल डालेंगे खास करके दिल्ली लोग ये कभी बिगड़े का तेल खाना नहीं चाहिए। दिल्ली का तेल दिल
करें, आरोग्य के लिए जो लाभदायी है उसका विचार करें। अब भगवान ऋषभ देव ने अपने तरह से पाक कला सिखाई सा। पाक कला के अंदर अलग अलग वस्तु कौन सी कैसे आप बना सकते हो जिसके अंदर प्रोटीन वगैरह सुरक्षित रहना चाहिए। अब देखिए भगवान ने अलग अलग प्रकार की कलाएं वगैरह सारी बताई और इन कलाओं के अंदर भी 63 लाख को राज्य तक भगवान व्यवस्था में रहे, 20 लाख को कुमार अवस्था में, 20 लाख को कुमार में, 63 लाख को राज्य व्यवस्था में रहे। और इतने काल तक भगवान ने अपनी तरफ से वाणिज्य कला आदि वैसी 72 कलाएं जो है तथा स्त्रियों की 64 कलाएं को सिखाई। अगर आज भी हम लोग तीर्थंकर ऋषभ देव की बनाई हुई कलाओं के आधार पर जीवन जीने लगे तो बहुत कुछ फायदा हो। आपको सुनकर हैरानी होगी कि मुंबई जैसे शहर के अंदर अब ऋषभ देव की कलाओं के आधार पर शताब्दी वैसा जीवन चलाने के लिए लोगों को जागृति लाई जा रही है, विशेष जागृति प्रेरणा दी जा रही है और वैसा जीवन जी रहे लोग सब और स्वस्थ निरोगी रह करके जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पर अलग ये कलाएं सारी हैं और बताए। अब इसके बाद में दाहिनी हाथ से दाहिनी को सिखाए तथा 1,10,000,10,000,1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 0,
संख्या इनके अंदर संख्या जो बताई है ये इन्होंने अपनी तरह से सुंदरी को सिखाई, काष्ट कर्मादि रूप कर्म भरत को सिखाया, पुरुष आदि के रक्षक बाहुबली को सिखाए और स्त्रियों की 64 कलाएं जो अलग अलग प्रकार से सिखाई। अब जिस तरह से इन वस्तुओं का भजन के हित के उपदेश करके और अपने 100 राज्य 100 पुत्रों को राज्य भी दिया और उनके भी अपनी अपनी जवाबदारी पूरी की, जिसके बाद में भगवान विनीता नगरी के मुख्य राज्य में बाहुबली को बहली देश का राज्य दिया, तक्षशिला आदि की राजधानी उसको मिली, 98 पुत्रों को अलग अलग देशों में बांट करके 100 पुत्रों के नाम पर जो है अलग अलग। अब सुनिए आपको समय के देश कटरा देश का नाम भगवतरा बेटा का नाम से पड़ गया। अब उसके अंदर भरत ने बाहुबली शंख का विश्वकर्मा विमल सुदर्शन अमल चित्रांग ये सब उनके 100 बेटे के नाम। अब उस समय जो मुख्य मुख्य राज्य हुए अंग देश बंग देश कलिंग देश मतलब ये काम कब का है, एक सागरपुर के पहले ऋषभदेव के समय का। उस समय कितने राज्य थे, कौन कौन से राज्य थे, तो अंग बंग कलिंग आता है, गौड़ देश आता है, चौड़ देश आता है, कर्नाटक आज कर्नाटक क बोलते हो, लाट देश सौराष्ट्र देश काश्मीर सौवी आंबी महासिंह गुर्जर गुजरात देश बांग्लादेश निर्माण देश नेपाल देश जापान देश जहाँ मतलब जापान जो आज है माँ कौशल देश मालव देश सिंह देश मरुस्थल आज नाम है राजस्थान लेकिन पुराना नाम है मरुस्थल है। अब ईश्वरदेव भगवान के 100 पुत्रों ने के राज्य स्थापित करके भगवान की दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए। अब भगवान जब दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए तो आप जानते हैं कि माउंट विक्रांति देव ने एक वर्ष पहले आकर के भगवान को विनती की, भगवान ने वर्षीदान किया। अब वर्षीदान के पश्चात अब भगवान दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए तो उस समय भगवान के साथ साथ में कितने लोग दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए होंगे सोचिए आप, 4000 लोग भगवान के साथ दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। अब परमात्मा चैत्रवती आकर के तिथि के दिन जो है सेविका में बैठे उनकी पार्थिव गिरे देख ली। अब इंद्रो ने आकर के पार्थिव गिरे उठाई और भगवान के लंकर आभूषण से सुशोभित हुए थे। अब इस तरह से वहाँ उस जमाने में भी पार्थिव विनीता नगरी अयोध्या नगरी में निकल करके बाहर गांव में आए और अशोक वृक्ष के नीचे पालकी रखी गई। भगवान उतरे अपने आभूषण वस्त्र आदि उतार के इंद्र इंद्राणी ने ग्रहण किए, फिर बाद में अपना पंचमुष्टि लोच किया अंतिम स्नान किया। जब भगवान पंचमुष्टि लोच कर गए थे तो 4 मुट्ठी तो हो गए, अब एक मुट्ठी पीछे की थी तो बात बड़े अच्छे बाल सुनहरी बाल। इंद्र महाराज ने विनती की भगवान एक चोटी रहने तो अच्छा लगेगा लोग देखेंगे, अब भगवान तो वैसे भी बैठा ही है तो बाल से उनका नाक बढ़ता है ऐसा तो है नहीं सोचेंगे, उन्होंने कभी अपनी तरह से ऐसा नहीं किया। बालों की अपनी मर्यादा रहती है, वहाँ आज जो बसंत ना स्वागत खुले बाल नहीं है
अक्षर इस समय एक मित्र के रूप में ये थे और बाकी भी के साथ में पांच मित्र अलग अलग थे। अब इन सब के अंदर एक बड़ी अच्छी कॉम्पिटिशन जुड़ी थी। मित्रता का फ्रेंडशिप का सबसे बड़ा अच्छा भाव ये था, ऋषभ देव जो कहेंगे मतलब उस समय जो उनका नाम था सुविधि वैद्य, तो ये सब मिलकर के करें। तो इन्होंने वहाँ पर ये नक्की किया था, एक बार ये मित्र सभी जब बिहार ये चल रहे थे जा रहे थे, एक पेड़ के नीचे एक साधु महाराज बीमार था। अब उनको बोल हो गया, बोल कैसा हुआ था, शरीर के अंदर कीड़े पड़ गए, इतना पानी बोल कितना 18 जाल का बोल होता है, 18 जाल में आज जो लोगों को व्हाइट स्पॉट जो हो रहा है सफ़ेद दाग जो है वो भी बोल का ही प्रकार है। लेकिन एक बोल ये होता है जब मन का गल जाते हैं जो उम्र गाना को हुआ था और बस हो जाता है पर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। एक साधु महाराज को एक पेड़ के नीचे पड़े हुए देखा, ये 6 मिनट उनके पास गए महाराज साहब क्या हुआ है ऐसा क्या है। तो ये सुविधि जो है इनके वैद्य का बेटा था, उनको देख करके बड़ी दया आई, महाराज साहब आप हमको आपने भेजा हम आपकी सेवा करें भयंकर करोगे, इतने वर्षों तक जो है दवाई पहुँचा कर हमें थक गया, अब इसमें कोई सुधारना हो नहीं रही है तो मैंने अपनी तरफ से छोड़ दिया है, मैं गाँव में भी नहीं रहूँ किसी के साथ में रहूँ तो मेरे घर दूसरों को तकलीफ हो, हमारे साथ आप हमको सेवा करने का मौका। ये अपने पिताजी के पास गया, पिताजी अपने शास्त्रों में कुछ ऐसा है कि नहीं है, बेटा है लेकिन बहुत कीमती दवाई है कैसे करेंगे इतना खर्च होता है, हमारी तो इतनी ताकत नहीं है। बोला पिताजी क्या चाहिए इसके अंदर, मुझे सबसे पहले ओशी से चंदन चाहिए, लक्ष्मण तेल चाहिए, 1,00,000 औषधियाँ जड़ी बूटियाँ जिसमें उबालें हम वैसा तेल हो तो उसका नाम है लक्ष्मण तेल। पिताजी हम भीख मांग करके लोगों पर से लाए तो आप बना दे सकोगे, तो ये जरूर बनाऊंगा साहब। तो ये लोग जो है व्यापारियों के पास गए, गए तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि देखो हमको एक साधु महाराज की सेवा करनी है ऐसा ऐसा चाहिए, तो फिर ले जाओ साहब, ला करके दिया लक्ष्मण तेल बनाया। अब चाहिए क्या साहब, चंदन चाहिए, गोशिक चंदन अलग से आता है तो वो लाए, फिर उसके बाद चाहिए रत्न कंबल चाहिए। अब रत्न कंबल उस जमाने में 2,50,000 रुपये का, कहाँ जाना है। तो उन्होंने गए तो एक व्यापारी जिसके पास थी उसने कहा तुम्हारे लिए देखिए तुम सेवा करे साधु महाराज के लिए ले जाओ। अब वो आए गुरु महाराज के शरीर पर लक्ष्मण तेल लगाया तो कीड़े अंदर से बाहर आने लगे, तो उन्होंने उस लक्ष्मण ये रत्न कंबल उठा दिए तो कीड़े सारे उस रत्न कंबल पर आ गए। अब एक भी कीड़ा मरना नहीं चाहिए, कहाँ जाए तो शमशान के अंदर या उधर उधर जंगल में गए जहाँ कोई गाय मर गई हो कोई हाथी मर गया तो वो रत्न कंबल झटक दिए तो उसके कीड़े उस गाय के शरीर में चले गए। फिर आकर के महाराज साहब के शरीर पर चंदन का विलेपन कर दिया, थोड़ी ठंडक हो गई। फिर दूसरे दिन फिर तीसरे दिन एक महीने तक करते करते सब कीड़े निकल गए और महाराज को गोद मिल गया, बिल्कुल कच्छन वर्णी काया हो गई। अब ये गए वापिस, उन्होंने जिसकी रत्न कंबल थी उनको वापिस देने गए, लक्ष्मण के जितना बचा था उनको वापिस देने गए। तो फिर उन्होंने कहा तुमने इच्छा इतना अच्छा सदुपयोग किया है तो तुम करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब 6 मित्रों ने मिलकर के जितनी सामग्री थी वो बेच दी, बेच करके उसमें से जितनी संपत्ति आई सोने का भगवान का मंदिर बना दिया। अब ये महाराज जिनसे भी तबीयत ठीक हो गई इनको बुलाकर इनके हाथ से प्रतिष्ठा करवाई और 6 मित्रों ने साथ में दीक्षा ली। अब 6 ने साथ में दीक्षा ली, सब साथ में करते हुए वहां से 10वें भव में देवलोक में गए। फिर 11वें भव में आए तो 6 मित्र साथ में आए और वहां पर इन्होंने तीर्थंकर नाम को पाला, बाकी के सब इनके साथ गए। अब वहां से अनुत्तर विमान देवलोक में गए, वहां से 13वें भव में आए तो ये ऋषभदेव भगवान बने, एक भरत जी बने, एक बाहुबली बने, एक रानी बने, एक सुंदरी बने, 6वां जो बाकी था वो श्रेयांश भगवान। तो इसको अपने पूर्व जन्म याद आ गए तो श्रेयांश कुमार ने आज देखा इसको और याद करके योगानुयोग को अपने घर की गैलरी में से बाहर आया, नीचे आया और यहाँ पर करने का 10 बल करके एक आदमी 100 रुपये ले जाया।
तो उसने पूछा भाई क्या है दिया अच्छा ये ले लो सोना मोर ले लो मेरे पास सब दे लो और सब खड़े ले लिए और सीधा ही गया लेकर भगवान को पाना अब आगे तक तो कोई लाया नहीं थे आगे तक सब लोगों ने खाली सोने की खाली चांदी की खाली कटोरियाँ भी गए यही लाए आज पहली बार ड्रेस लेके आया और भगवान ने अपने दरवेश चंद्र का भाव से देख लिया कि सुंदर कल्प है अचित है और खपे जैसा है तो भगवान ने अपने दोनों हाथ इकट्ठे किए उन्होंने एक एक खड़े उसके अंदर रखे अब भगवान ने पार कर दिया पाठशाला में उनका शरीर जो है 500 मनुष्य की है 2000 फीट की आई है और जब आप पौड़ी किया तो आप शरीर है तो और 500 मनुष्य की काय तो 100 खड़े भी नहीं कुछ भी नहीं होता है अब ऐसी स्थिति में पारणा कराया गया इनको तो ये पारणा बिगड़े हुआ ऐसे परमात्मा का आज भी एक परंपरा चल रही है कि ऋषभदेव के नाम पर वर्षित हो रहे हैं लेकिन जैसा ऋषभदेव भगवान को अंतराय का प्रभाव होता था वैसा किसी को नहीं जो था ये कर्म कैसा हुआ था पूर्व भव के अंदर एक किसान को उन्होंने एक रोका था उसको सलाह दी थी कि बैल के मुख पर शीखा मान दो तो बैल खा रहे अब किसी को खाने में इतना अंतराय किया इसका ये परिणाम आया कि इनको अंतराय कर्म का फल भुगतना पड़ा ऐसा अब आकर ये कर्म क्षय का बड़ा अच्छा मौका देवी तीर्थन करो में किसी ने वर्षे तक नहीं किया लेकिन निष्ठान करना सबको अनिवार्य होता है बिना निष्ठान के कीर्तन करना उनको नहीं बचता और हम लोग सब बैठ गए आज वर्षे तक सामूहिक होता हो तो सब तैयार है करने कुछ करना ही नहीं बड़े सीधे भाने पर जाकर तैयार करना ये विशेषता है तो ऐसा सोचिए यहाँ पर ऋषभ ने भगवान ने जरूर किया था निष्पूर्ण और यहाँ अवोदानंद जी पंचदिव्य प्रकट हुए अब इस तरह से अपने प्रयास कुमार के पिछले 8 भवों का वर्णन ऋषभदेव भगवान ने किया संदेशार्थ में अब यहाँ पर बात है कि हमेशा ही माता जी अपनी तरफ से शुक्र भरत को कहती रही हे भरत तू हमेशा राजपाट वैभव के अंदर मस्त रहता है लेकिन कभी भी अपनी तरफ से तू भरत ने अपने ऋषभ की तो कोई कचरता ही नहीं कभी बात ही नहीं पूछता है ऐसा क्यों तब जाकर के भरत जी माता जी को साथ में लेकर भरत जी अपनी तरफ से चले चलो माता जी आज आपको पुत्र दर्शन कराता ऐसे करके जब लेकर के आए तो इधर जो है अब माता जी को कह करके इन्होंने रथ में बैठा हाथी की उड़ानी पर इधर देखिए अब ये यहाँ से चलते चलते ये समझे 24 मिनट हो गई और माता जी हाथी की अंबारी पर है सामने जो है दिव्य माध्यम से सुनाई दे रहे हैं तो ये समझ करके वहाँ पर इनको भी अनित्य भावना का चिंतन और अनित्य भावना का चिंतन होते होते यहाँ पर मरुदेवा माता को ये केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था अब केवल ज्ञान तो प्राप्त हो गया लेकिन अब आयुष्य इनका जो है सिर्फ 24 मिनट ही बाकी है अब यहाँ पर इनका निर्वाण होना ही होना है क्या करेंगे ना कहते जाओ बस्तीदान देवा जाओ बदली का छपाओ पूजन कराओ कोई कोई करो सा अब इतने 24 मिनट बाकी हैं और यहाँ निर्वाण होना ही होना है और केवल ज्ञान से मालूम पड़ गया तो माता जी ने क्या किया यहाँ पर इन्होंने करेबी मन से उछल करके इशारे अब बैठे हाथी की अंबारी पर अब कहाँ जाना और वहाँ पर इन्होंने करेबी मंत्र के पाठ से इन्होंने जब दीक्षा ले ली अब दूसरा सवाल नहीं करा होता और कितने काल के अंदर अब आप क्या बोलते हो कि ये तो ग्रस्त देश में लाल साड़ी पहले रहता था मोक्ष में ज्ञान भाव से नहीं पसरना मंत्र दीक्षा लो एक और लाल साड़ी करोगे या लोग नहीं आप इनकी इनकी नकल ना करें ये भाव से गर्मी बनते से भाव शांति भी बनते अगर कोई नकली बोल के मोक्ष में जाना है तो दीक्षा लेना और करनी चाहिए दीक्षा लेनी है आपको देखो
कोई आ जाए करो तैयारी करो साधना हैदराबाद की धरती ऊपर सामयिक दीक्षा करते हैं बस अब विशेष रूप से भगवान ऋषभ ने 1000 वर्ष तक छद्मस्थ अवस्था में रहे और भगवान को भी केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हुआ। अब प्रातः काल में पुरीपुत्र नगर के अंदर जो है शकटपुर नाम के उद्यान में नगर नाम के उत्तम वृक्ष के नीचे एक छठ तप से युक्त उत्तरासन नक्षत्र में चंद्र का युग प्राप्त होने पर शुक्ल देव के चार भेदों में दो भेद से वर्तक ऋषभ ने भगवान को अनंत वस्तु विषय माला केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हुआ और भगवान समस्त जगत के जीव को जानते हैं। युगों में जैसे भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो वहाँ पर दानंद के मालिक तथा वो मालिक यहाँ पर समाचार देने के लिए आया है कि भगवान को केवल ज्ञान हो चुका है तो ऐसे समय में और दूसरा सामने से देने आया समाचार कि आपकी आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। तो भरत जी थोड़े से चिंता में पड़ गए कि आगे पर भगवान के केवल ज्ञान कल्याण बनाने जाऊँ कि आयुधशाला में चक्र रत्न के लिए जाऊँ क्या करना चाहिए। तो भी भरत चक्रवर्ती ने निर्णय लिया चक्र रत्न की चिंता नहीं है पहले परमात्मा का केवल ज्ञान ये करके ये भी अपनी तरह से आए और भरत जी ने भगवान का केवल ज्ञान का कल्याणक भी के बनाया और पौत्र आदि को राजकारी राजलक्ष्मी दे करके छोड़ करके चले गए थे। तो यहाँ पर भरत जी ने तो अपनी तरह से किया बाद में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ। अब चक्र रत्न को स्वीकार करने के लिए इनके पास सभी छह खंड के लोग इनका राज्य सत्ता मानने वाले चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले सबको समाचार दिए इनके पहले 98 बेटे तो भगवान के साथ दीक्षा ले चुके अब एक ही भाई बच्चे भरत जी के सामने बाहुबली पूछी। तो इन्होंने बाहुबली को चिट्ठी लिखी कि भाई आज भी मेरी आज्ञा है आ जाओ। लेकिन बाहुबली ने सामने से जवाब दिया कि अरे मोटो राज्य है आपके पास 98 भाई का राज्य फिर भी शांति नहीं आप संतोष नहीं है मैं राज्य नहीं देता हूँ आओ लड़ना है तो युद्ध करने के लिए तैयार। अब आप सोचो भगवान जाना दीक्षा ले लें उन्होंने बेटा लड़े जब एक बेटा जो है युद्ध करे तो कर ला नहीं सर लेकिन फिर भी अब संसार के अंदर सब हुआ भरत जी और बाहुबली दोनों में युद्ध हुआ। अब दोनों ने युद्ध भी इतना भारी युद्ध किया कि वर्षों तक 12 वर्षों तक युद्ध चला और इतने वर्षों तक के युद्ध के अंदर जो है लड़ाई चलती रही आखिर इंद्र महाराज ने आकर के इनके बीच में समझौता कराया एक काम करो आप दो लड़ो अब सबको लड़ाओ के सब मर रहे इतने लाखों मर रहे ये अच्छा नहीं आप दो जन लड़ लो तो फिर क्या लड़ाई करें कैसे करें। तो पांच नियम इनको बताने समझने के लिए एक तरफ आंख दिखाना है एक तरफ जोर से चिल्लाना है एक तरफ अपने हाथ से है अब ऐसे युद्ध के लिए उन्होंने बताया। तो भाई चार के अंदर भरत जी जीत गए ये बाहुबली जी जीत गए। अब पांचवा युद्ध है कि मुष्टि प्रहार करना है मुष्टि प्रहार के अंदर अपने हाथ से जोर से मुट्ठी किसी के सिर पर मारे अब उसके बाद क्या हो गए देखो। तो भरत जी ने जब मुट्ठी उपाट करके मारे तो बाहुबली को कुछ नहीं हुआ तो नहीं हुआ था क्या बोलना चाहिए बाहुबली पूर्व भव में 500 सालों की गोत्री मानते थे 500 सालों की गोत्री मानने से उनकी गयावच करते थे गयावच करने से हाथ नहीं दुखते हैं किसी की गयावच करने से अपना ही बाहुबल बढ़ता है और जिस तरह से इन्होंने सेवा की है इसके कारण ये बाहुबली बने। अब इनको मालूम है कि मैं एक मुट्ठी उठा करके मारने जाऊंगा तो परिणाम क्या है लेकिन बारी इनकी आई तब जैसे इन्होंने मुट्ठी उठाई और मन में सोच लिया अरे भाई है आपके छोटे भाई है अब भाई भाई को मारने जाओ तो क्या होगा सर। उन्होंने अब मुट्ठी भी उठा ली अब क्षत्रिय कुल के वंशज है तो मेरी मुट्ठी खाली नहीं जानी चाहिए अपनी मुट्ठी अपने ही सिर पर करके उन्होंने एक साल में देश का विच्छेद कर दिया करेली मुट्ठी उचल लिया अब पानी घोषणा में करके कौशल कर लिया कौशल किस तरह से किया जब तक मुझे केवल ज्ञान नहीं होवे वहाँ तक मैं कौशल कर अगर पहले जाऊँ तो मेरे से छोटे 98 भाइयों को बंधन करना सोचिए एक तरफ
के सामने अंदर जो है अहंकार भी इतना है। तो भरत जी ये कही है भगवान विचरते हुए यहाँ पर आए थे तो ब्राह्मी सुंदरी आदि जो कहते थे उन्होंने आकर के बाहुबली को विनंती की हीरा माना गजन करो गजन चढ़े अरे भाई साहब आप मुझे हाथी पर से नीचे उतरो हाथी पर केवल क्या नहीं होता है। तो ये सोचने लगे क्या हाथी इस मान की बात करें लेकिन मेरी बहने पहले से दीक्षित साध्वी हैं तो वो तो झूठ नहीं बोल सकती। ऐसा कहकर के बाहुबली की सत्य समझ गए कि बात ये है। तो जैसे ही उन्होंने अपना समझा था कि अहंकार मुझे बीच में आ रहा है तो जैसे ही अहंकार हटा करके एक कदम आगे बढ़ाया बंधन करने गए और युद्ध में केवल ज्ञान हो गया। कितने हलु प्राणी थे साथ कितने हलु कर्मी जीव थे एक कदम उठा कर केवल ज्ञान होना इतना आसान होता है लेकिन हुआ सही जरूर। यहाँ पर बाहुबली ने भी अपनी तरफ से जरूरी विजय प्राप्त की लेकिन ये अपनी तरफ से त्यागी करना ही मन करके रहे और ये अपनी तरफ से विचरण करते रहे। तो ऋषभ ने भगवान के उस काल के अंदर जब 10,000 राजाओं के साथ देवता तो देवी विष को प्रण करके बहुत काल तक विचरण करके पहुँचने गए। भगवान के 84 गंधर्व थे उग्र स्वामी भी गिरे यहाँ पर उसका मुख्य नाम ऋषभ सेन है। अब 84,000 साधु थे और उत्कृष्ट संपन्न अब ऋषभ ब्राह्मी सुंदरी भी गिरे उनकी 3,00,000 साधुनियाँ थे और ऋषभ ने भगवत के श्रावक श्रेयांश कुमार भी गए 3,05,000 श्रावक थे और भगवान के सुभद्रा भी गए श्राविक हैं 5,54,000 थे और इसमें ऋषभ के भगवान के 4,000 बेशक प्रदेश बहुत कभी नित्य प्रतिष्ठा महिमा
मंदिरों के चेहरे को स्नान करा के चंदन से मिले मंदिर के सर्व अलंकार से किया। उसके बाद इतने जब नीचे विरत जिन लोगों के द्वारा इस योग्यता ऐसे जिन पालियाँ बनाई आनंद रहे नदी मन वाले अस्तपने वाले शरीर को एक बार के व्यक्त बनाया और दूसरे देवों के कंठरों के शरीर को और बाकी मनुष्य के शरीर को इस प्रकार से शरीर वाले पार्थिव वही जो जानते और गंधर्व तथा मनुष्य के शरीर वाले पार्थिव को जो आकर चिंतन के बाद लाए इंद्र ने प्रभु के शरीर को पार्थिव से उतार कर चिंता चिंता में स्थापन किया। उसके बाद आनंद और उत्साह सहित है शरीर को मार चुका है सौभम की आवश्यकता में अर्पित है। इसके वायु महादेव ने वायु चंदन आदि उत्तम प्राप्त डाले के साथ पर शहर के विवेक ग्रहण से चुनाव का सिंचन किया। जब वो शरीरों में से मस्ते के सिवाय अपने चेहरे को जाकर के जगह को जल से शांत किया। मनुष्य के पास स्वर्ग में लोगों के ऊपर की धारा के लिए ईशान इंद्र ने भी वायु मंडल में अपनी सर्वे इंद्र ने नीचे की धारा की उतनी बड़े इंद्र ने नीचे की धारा की उतनी अन्य देवों ने भी कितने से कितने रखना अर्थात उनके लिए तेज दर्द समझ कर और प्रभु के शरीर में से शेष बचे हुए उनको मन से अस्थि कर के फिर इंद्र ने प्रभु चिन्ह के जगह पर एक गिनेश्वर भगवान का एक अभिभवन का एक शेष मंदिर के ऐसे तीन ग्रंथों में स्तोम लाए। उसके बाद शंकर ने नदी प्रदेश में जाकर मैं दोस्तों करके अपने अपने विमान में गए वहाँ अपनी सभा में वज्र बैठा मैं जिंदा रहा हूँ और सुरक्षा मंदिर माला से मिला भगवान के निर्माण से साढ़े आठ तीन वर्ष और साढ़े आठ मास बची हुए। उसके बाद अपनी बयान सुना कि वर्ष साढ़े आठ मास दिन ऐसे ही पुनः पुणे सागर मंदिर दिन के आ समय भगवान फिर प्रभु का निर्माण हुआ। 9 वर्ष के बाद में 80 वर्ष के बाद उनका उस प्रकार अक्षय आज जो है दोपहर को देर जिसको आपकी इच्छा है जिसको भी जितना आना है आप महावीर भवन में।